अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, हमारा अगला टॉपिक है अतलाक की तारीख और मौजूदा दौर। माजी की बहुत सारी वाकियात यानी आज के वक्त में या आज के दौर में नजर आने वाले माजी के असरात, अशिया, चीजें है ना, जो कि मरई और गैर मरई दोनों ही हालत में मौजूद है या पाई जाती है। इसे इंसानी फितरत कह लीजिए या हमारा तजस कह लीजिए कि हमें जो भी माजी की वाकियात नजर आती है, जो भी ऐसी चीजें जो आज के दौर में बनाना या जिनके जिन्हें बहुत मुश्किल से देखा जाता है, इसके बारे में जानने का हमारे अंदर तजस्सुस एक क्यूरियोसिटी होती है, क्या ठीक है ये है तो ये किस तरीके से बनाई गई, इसे किसने बनाया और इसको बनाने के पीछे वजूहात क्या थी और क्यों ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है और जो वाकियात है ये हमारे आबो अजदाद के जरिए बनाई गई, ये भी इंसानों ने ही बनाया है। तो इंसान में ना एक वो तजस्सुस होता है कि ठीक है हम भी इंसान हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीजें या इतनी बड़ी बड़ी चीजें उस वक्त के इंसान ने ये बगैर टेक्नोलॉजी किस तरीके से बनाया। जब हम इन चीजों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं या उस जगह पे घूमने जाते हैं, सैर तफरी के लिए जाते हैं, तो जब हम उस चीज को देखते हैं और उसकी तारीख को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये बात खड़कती है कि ये जो चीजें हैं हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज रहे, यानी कि जैसे कि हमने इसको देखा है या हमने इसको देखकर जाना कि किस तरीके से ये हुआ करती थी और कैसे है, तो ये हमारे आने वाले नस्लों के लिए भी बाकी है, वो भी इसको देखकर जान सके। इसीलिए अवाम, माहिरीन और हुकूमत इन बाकियात और विरसों की तहफ़ुज़ में लग गए हैं और इन विरसों या बाकियात को महफूज बनाने के मरहले में बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं। जैसे कि अगर कोई तारीखी जगह है तो या फिर तारीखी कोई विरसा है, अगर उसकी हमें हिफाजत करना है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग लगेंगे जो कि उसकी हिफाजत के लिए लगेंगे, जो कि साफ सफाई के लिए लगेंगे, या वहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं सैर तफरी के लिए लोग आते हैं उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके रुकने का इंतजाम, तो ये सारी चीजें हैं ये रोजगार पैदा करती है। अगर इससे सादे लफ्जों में कहा जाए तो हम इन बाकियात या विरसों की हिफाजत करके इसे हमारी आने वाली नस्लों के लिए महफूज करते हैं और इस बात को मुमकिन बनाते हैं कि इन विरसों और बाकियात का इस्तेमाल या इनकी तारीख का इस्तेमाल हम हमारे आज के वक्त और मुस्तकबिल में कर पाए। हम अगली वीडियो में देखेंगे विरसे और इनकी किस्में।